जितना नया क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल ओपन किया है, सबका मन में एक ही चिंता होता है, सबका दिमाग में एक ही सोच होता है कि मेरा वीडियो कब वायरल होता है, मेरा चैनल कब ग्रो होता है। लेकिन दोस्तों, आज तक यूट्यूब ने ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं बताया है कि आप इतना वीडियो अपलोड कर लीजिए उसके बाद आपका चैनल ग्रो होने लगता है, आप इतना वीडियो अपलोड कीजिए उसके बाद आपका वीडियो वायरल होता है। इस तरह आज तक एक ट्रिक्स भी नहीं यूट्यूब ने कहा है कि इस तरह वीडियो अपलोड कीजिए। और दोस्तों, जितना इंडिया के अंदर, जितना वर्ल्ड के अंदर, जितना यूट्यूबर्स है, एक यूट्यूबर्स भी आपको नहीं बता सकता है कि आप इतना वीडियो अपलोड कीजिए या इस तरह वीडियो अपलोड कीजिए आपका वीडियो वायरल हो जाएगी। क्योंकि वायरल करना और चैनल ग्रो करना यूट्यूब के हाथों में है, यूट्यूबर्स के हाथों में नहीं है। तो दोस्तों, कैसे एक चैनल ग्रो करना है और कैसे आपका वीडियो वायरल करना है, इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर दोस्तों आपने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है और उसके बाद दोस्तों आप गाधे की तरह यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया है और आप डेली सोचते हो, रात सोने के बाद भी सोचते हो कि मेरा चैनल कैसे ग्रो करना है, तो ज़िंदगी भर आप यूट्यूब पर काम करते रहेंगे लेकिन आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, एक नया चैनल ओपन करने के बाद किस तरह यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है, अगर ये सही तरीका आपको पता नहीं और आप जैसे तैसे वीडियो अपलोड किया है, तो उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो पर 10 से 15 व्यूज आता है। मैंने ज्यादा कह दिया शायद, लेकिन उससे ज्यादा व्यूज नहीं आता है। अगर ज्यादा व्यूज आ गया तो 100 से ज्यादा व्यूज नहीं आता है, 50 से लेकर 60 और 60 से लेकर 70 तक व्यूज आता है। उसके बाद आपका जो वीडियो है, वीडियो डाउन होता है। तो दोस्तों, आप सवाल करते हैं कि कैसे वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों देखिए, आजकल ज्यादातर क्रिएटर्स मोबाइल के थ्रू वीडियो अपलोड करते हैं, ज़्यादातर क्रिएटर्स ने कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, ये लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, इसलिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो लोग अपलोड करते हैं। क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करने का पैसा नहीं था, इसलिए दोस्तों एक मोबाइल फोन से लोग ज़्यादातर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये काम नहीं जानते हो कि एक मोबाइल फोन से सही तरीके से कैसे वीडियो अपलोड करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप सही तरीके से वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि 30 वीडियो अपलोड करने से पहले आपका चैनल ग्रो होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद एक चैनल ग्रो किया है, मेरा और एक चैनल है, जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके ये चैनल विजिट कर सकते हैं। उस चैनल से मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा आसपास, मेरा पड़ोसी में ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है कि मुझे हेल्प कर सके, इसलिए दोस्तों मैंने खुद एक चैनल ग्रो किया है और खुद मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, खुद के हिसाब से वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद दोस्तों, यूट्यूब का टैलेंट मेरे पास आया है कि एक चैनल ग्रो करने में कितना मुश्किल होता है, कितना दिक्कत होता है, और दोस्तों एक वीडियो अपलोड करने के पीछे कितना रीजन होता है, कैसे वीडियो अपलोड करने से आपका वीडियो पर ज्यादातर व्यूज आ सकता है। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब की तरह आपको फोकस रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप सवाल करते हैं कि यूट्यूब पर तो मैं डेली फोकस रखता हूं, उसके बाद मेरा वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर क्या क्या सेटिंग करना होता है यूट्यूब वीडियो पर व्यूज आने के लिए, दोस्तों अगर ये सेटिंग के बारे में आपको जीरो नॉलेज है तो आपका वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल पर सेटिंग के बारे में और वीडियो अपलोड करने के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अब बात आती है कि एक नया चैनल ओपन करने के बाद लोग ये सोचने लगता है कि मेरा चैनल पर कैसे 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना है, कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर के पीछे आपको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के पीछे आपको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अक्सर एक वीडियो वायरल होता है ना, तो 4000 क्या है, यहाँ पर 400000 घंटा वॉच टाइम आपको मिल जाता है। और दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर क्या है, यहाँ पर 20000 सब्सक्राइबर आपको मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, आप साफ और साफ ये बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों, आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकता है और एक यूट्यूबर बनने के लिए पीछे क्या क्या काम करना होता है, जो काम करना होता है, ये काम के लिए
आप लोगों को मैं हमेशा हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों के पास। अगर दोस्तों आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले से एंड तक पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर दोस्तों आप यूट्यूबर नहीं बनना चाहते हैं तो प्लीज़ भाई आप जा सकते हैं ये वीडियो स्किप करके, क्योंकि दोस्तों जो लोग हमेशा विश्वास नहीं रखते हैं ये लोग के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, और जो लोग विश्वास रखते हैं और जो लोग उम्मीद से काम करते हैं ये लोग एक दिन ना एक दिन यूट्यूब से काम करो या कुछ भी काम करो आपको सफलतापूर्वक ये काम में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए दोस्तों जो काम करना है ध्यान से करना है, इस काम के ऊपर फोकस रखना है, काम को लेकर आपको हमेशा चिंता रखना है कि कैसे आज वीडियो अपलोड करना है, क्या वीडियो अपलोड करना है, कैसे थंबनेल लिखना है, कैसे वीडियो की टाइटल लिखना है, कैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे टैग सर्चेबल टैग यहाँ पर ऐड करना है, कैसे वीडियो पब्लिश करना है, वीडियो पब्लिश करने से पहले आपको पब्लिक करना है, अनलिस्टेड करना है, क्या सही होता है, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों एक यूट्यूब चैनल के लिए खास करके बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, जो सेटिंग अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल पर वीडियो है, आप जाके इस वीडियो देखकर आपका चैनल पर जो सेटिंग अभी तक पेंडिंग है ये सेटिंग आप कंप्लीट कर लीजिए। तब क्या होता है कि दोस्तों आपका चैनल ज़्यादा दिन नहीं लगता है, चैनल ग्रो होना शुरू होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इस चैनल में जितना वीडियो है एक एक वीडियो आप वॉच करते जाइए तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि एक यूट्यूबर बनने के लिए आपको कितना काम करना, कितना मेहनत करना होता है।